सिल्वेस्टर विधि की प्रथम स्थिति है दोस्तों, इसके अपना आप फर्स्ट एड का उपयोग कर सकते हैं। और सिल्वेस्टर विधि की तृतीय विधि है दोस्तों, इसको हाथ अपने हाथ में लेकर और फिर शेफर विधि की प्रथम स्थिति में अंगूठे के साथ अंगुलियां क्रिया करेंगी, मुंह का नाक और खोलें। और शेफर विधि की द्वितीय स्थिति है कोहनियां सीधी व भुजा धरती, पीड़ित पीठ की के नीचे तकिया लगाएं प्रथम स्थिति में। और दूसरी स्थिति में दोस्तों मुंह से मुंह में हवा भरना, यह द्वितीय स्थिति है। और तृतीय स्थिति है ये कृत्रिम श्वास यंत्र है जिसके माध्यम से आप इससे सांस ले सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर में जाएं। थैंक यू दोस्तों।